नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम व्याकरण में से विराम चिन्ह, यह जो हमारा उपघटक है, उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, हम जब कौन सा भी काम करते हैं तब हमें बीच बीच में रुकने की आवश्यकता पड़ती है, हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ती है। बोलते समय भी हम बीच बीच में रुकते हैं थोड़े समय के लिए या पूर्ण समय के लिए, यानी हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? विश्राम करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये भाषा की बात ही ऐसी है, भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, बोलते समय, काम करते समय हमें रुकने की आवश्यकता ही होती है। अगर हम रुके नहीं तो हमारा काम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम को, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वह लिखने का हो, चाहे वह कौन सा भी खेती का काम क्यों ना हो, हमें विराम लेना ही पड़ता है, हमें रुकना ही पड़ता है। तो भाषा में भी जब हम भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ता है? विराम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विराम करना, विराम लेना पड़ता है। तब विराम लेते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। देखो हमारी परिभाषा देखो क्या है, भाषा के लिखित रूप में रुकने या विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। रुकने या विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। देखो कुल मिलकर हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्ह हैं? 12 विराम चिन्ह हैं। कितने विराम चिन्ह हैं? 12। देखो पहला विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम। तीसरा है अल्प विराम। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। छठा है योजक चिन्ह। सातवां है निर्देशक चिन्ह। आठवां है उदाहरण चिन्ह। नौवां है विवरण चिन्ह। दसवां है कोष्टक चिन्ह। ग्यारहवां है हंस पद। और बारहवां है कौन सा है? लाघव चिन्ह। कौन सा है? लाघव चिन्ह। तो इन 12 चिन्हों की आज हम क्या लेने वाले हैं? जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों विराम चिन्ह में से जो पहला विराम चिन्ह है उसके बारे में अभी हम जानकारी देखते हैं। देखिए पहला विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहां पर लगाया जाता है? जब हमारा पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेकिन यहां पर देखो विस्मयादि बोधक अगर वाक्य हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य और प्रश्न सूचक वाक्य अगर हैं, कौन सा वाक्य? विस्मयादि बोधक, विस्मय का बोध करने वाला अगर वाक्य है और प्रश्न का बोध करने वाला अगर वाक्य है तो उन वाक्यों के बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते। इन दो प्रकार के वाक्यों को छोड़कर बाकी के वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक तथा प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब इनको छोड़कर, विस्मयादि बोधक वाक्य, हमें विस्मय का बोध करने वाला वाक्य और हमें प्रश्न सूचित करने वाला जो वाक्य है, इन दो प्रकार के वाक्यों को छोड़कर बाकी के जो वाक्य हैं, देखो
विस्मयादिबोधक तथा प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कौन से दो वाक्यों को छोड़कर? एक विस्मयादिबोधक वाक्य और प्रश्न सूचित करने वाला वाक्य। देखिए उदाहरण के लिए, कल बाजार बंद रहेगा। देखो कल बाजार बंद रहेगा सामान्य विधान है, सामान्य वाक्य है, हा या ना? तो क्या लगाया है? दंडक लगाया है। मेरा भाई ईमानदार है, क्या लगाया है? दंडक लगाया है। यह वाक्य हमें कल बाजार बंद रहेगा, यह विस्मयादिबोधक है क्या? नहीं है। या प्रश्न सूचक है क्या? नहीं है। दूसरा, मेरा भाई ईमानदार है, यह वाक्य प्रश्न सूचक है क्या? नहीं है। विस्मयादिबोधक है क्या? नहीं है। तो इन वाक्यों के अंत में यहां पर क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम लगाया गया है। आगे देखो, जो हमारा दूसरा भेद है विराम चिन्ह में से, दूसरा भेद वह है अर्ध विराम। कैसा विराम? अर्ध विराम। देखिए वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक, वाक्य में वाक्य के जिस स्थान पर हमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। देखो वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकना पड़ता है या रुकना होता है, वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो अर्धविराम चिन्ह कैसा है? ये पूर्ण विराम, ये अर्धविराम। उदाहरण फिर से देखो एक बार, वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकना होता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मतलब उदाहरण के लिए, एक अधिक परिश्रम करो परीक्षा निकट है। देखो अधिक परिश्रम करो, यहां पर कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया है? अर्धविराम का। कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया है? अर्धविराम का। हाँ, यहां पर अल्पविराम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्या? अल्पविराम इस चिन्ह को हम प्रयोग में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। हाँ, अल्पविराम यानी सिर्फ हमें अल्प समय के लिए वहां पर हम रुकते हैं। हाँ, जहां पर हमने अर्धविराम लिया है। हाँ, यहां पर हमने अर्धविराम लिया है, विराम लिया है, अर्धविराम, अर्धविराम लिया है, पूर्ण विराम से आधा विराम लिया है। हाँ, अधिक परिश्रम करो परीक्षा निकट है, यहां पर पूर्ण विराम दिया है, मतलब वाक्य पूरा हो गया है। इसके आगे शब्द है क्या? नहीं है। इसके आगे वाक्य है क्या? नहीं है। तो हम यहां पर पूरे रूप से रुके हुए हैं, पूरा विराम लिया है हमने यहां पर, और यहां पर हमने अर्ध ही विराम लिया है। यहां पर हमने कैसा विराम लिया है? अर्ध विराम लिया है। अधिक परिश्रम करो परीक्षा निकट है, हमें स्कूल पहुंचना है, प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है। देखो यहां पर भी अर्ध विराम आया है, और प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है, वाक्य पूरा हो गया, पूरा होने के बाद पूर्ण विराम यहां पर लगाया है। हाँ या ना? हमें स्कूल पहुंचना है, प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है। समझ में आ रहा है? ओके। अब तीसरा भेद देखो अल्प विराम। कौन सा भेद है तीसरा? अल्प विराम। अब अल्प का अर्थ ही क्या है? थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। हाँ, देखो अल्प का अर्थ है थोड़ा। हाँ, इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम ठहरा होता है, अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़ता है अल्पविराम में। हाँ, देखो अर्धविराम के बारे में हमने क्या देखा कि अल्पविराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां पर हम रुकते हैं वहां पर अर्धविराम लगाया जाता है, और अभी हम देख रहे हैं अल्पविराम। हाँ, तो अल्पविराम हम कहां लगा सकते हैं कि जहां पर हमें अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां पर हम अल्पविराम लगा सकते हैं। देखो इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम ठहरा होता है, वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए, वाक्यों को, वाक्य में आए पदों को, पदबंधों को, उपवाक्यों को अलग अलग रखने के लिए, एक ही वाक्य में लेकिन अलग अलग दिखाने के लिए
हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम ठहराव होता है। वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों को, पदबंधों को या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दादाजी हमें भी मेला देखना है, यहां पर बच्चे अपने दादाजी को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दादाजी को बोल रहे हैं कि दादाजी हमें भी क्या करना है? मेला देखना है। दादाजी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हम यहां पर, बराबर है? दादाजी हमें भी मेला देखना है, या दादाजी हमें भी मेला देखना है, ऐसे हम बोलते हैं क्या? नहीं। हम बोलते समय कैसे बोलते हैं, या बच्चे बोलते समय कैसे बोलते हैं? दादाजी मुझे भी मेला देखना है, हमें भी मेला देखना है, दादाजी हमें भी मेला देखना है, या ऐसे बोलते हैं दादाजी हमें भी मेला देखना है, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। हाँ, वहां पर विराम लेते हैं, वहां पर अल्प से विराम बच्चे लेते हैं, दादाजी हमें भी मेला देखना है। देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए संचित, मयंक और राघव मित्र हैं। यहां पर संचित और मयंक के बीच में क्या आया है? अल्प विराम आया है। संचित और मयंक के बीच में क्या आया है? यहां पर अल्प विराम आया है। ये एक ही प्रकार के पद हैं, हाँ या ना? लेकिन उनके बीच में क्या आया है? अल्प विराम आया है। संचित, मयंक और राघव मित्र हैं, या ऐसे बोलते हैं संचित, मयंक, राघव मित्र हैं? नहीं, हम थोड़ा सा विराम लेते ही हैं। समान पदों को पढ़ते समय हम बीच बीच में थोड़े समय के लिए रुकते ही हैं, अल्प सा विराम हम लेते ही हैं। जिस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चिन्ह को प्रयोग में लाया जाता है, उस चिन्ह को अल्प विराम कहा जाता है। देखिए संचित, मयंक और राघव मित्र हैं। अब आगे देखो तो दोस्तों, पहला विराम चिन्ह हमने देखा पूर्ण विराम, बराबर है? दूसरा देखा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम। अब जो चौथा चिन्ह है वह कौन सा है? प्रश्न सूचक। कौन सा है? प्रश्न सूचक। देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? प्रश्न सूचक शब्द या वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो प्रश्न पत्र आता है, क्वेश्चन पेपर उसे हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के बाद क्या दिया जाता है? प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रश्न चिन्ह। देखो प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कि एकादा प्रश्न पूछते समय आपको एक वाक्य पूरा किया जाता है, उसके अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है और उसके बाद फिर से एक शब्द लिखा जाता है, क्यों? क्या इस प्रकार के शब्द? तो उन शब्दों के बाद भी क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। बराबर है? देखिए प्रश्न सूचक शब्द या वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक शब्द हो या प्रश्न सूचक वाक्य हो, उनके अंत में क्या दिया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम वहां क्या कर रहे हो, यह वाक्य हमें किस प्रकार का वाक्य लग रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य लग रहा है, हाँ या ना? हाँ, प्रश्नवाचक। जैसे मतलब इस वाक्य के माध्यम से हमें क्या पूछा है, ऐसा लगता है सवाल पूछा है। क्या पूछा है? सवाल पूछा है। तो वहां पर यानी प्रश्न पूछा है, तो यहां पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा वाक्य है या दूसरा सवाल है, आप कहां जा रही हैं? आप कहां जा रही हैं? क्या पूछा है यहां पर? सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखो प्रश्न सूचक शब्द या वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आगे देखो। पांचवा भेद हमारा है
विस्मय सूचक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? विस्मय सूचक। हाँ देखो, विस्मय चिन्ह कहां पर लगाया जाता है? जिस वाक्य के माध्यम से या जिन शब्दों के माध्यम से हमें हर्ष, हर्ष यानी आनंद, खुशी, हाँ, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में या कभी कभी विस्मय सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में, आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य जो रहते हैं उन वाक्यों के अंत में या कभी कभी विस्मय सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह, क्या संगीत है, वाह, वाह यह शब्द क्या प्रकट करता है? यहां पर हर्ष प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? हर्ष। किसके बारे में हर्ष प्रकट करता है? संगीत के बारे में हर्ष प्रकट करता है। किसके बारे में? संगीत के बारे में। हाँ, तो यहां पर हर्ष प्रकट किया है, तो वाह यह जो शब्द है, इस शब्द के बाद यहां पर कौन सा चिन्ह आया है? विस्मय चिन्ह आया है। कौन सा चिन्ह आया है? विस्मय चिन्ह, शब्द के बाद। हाँ, किसी शब्द के बाद या वाक्य के बाद भी इसे लगाया जाता है। वाह क्या संगीत है, क्या संगीत है के बाद यहां पर जो चिन्ह लगाया है वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम है। कौन सा है? पूर्ण विराम है। लेकिन यहां पर जो विस्मय चिन्ह लगाया है वो विस्मय चिन्ह कहां पर है? वाह इस शब्द के बाद है। देखो हमारी परिभाषा जो है, जो विस्मय सूचक की जो यहां पर जानकारी लिखी है उसमें है, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में या कभी कभी विस्मय सूचक शब्द के बाद, यहां पर विस्मय सूचक शब्द कौन सा आया है? वाह। कौन सा आया है? वाह। तो इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। वाह क्या संगीत है, यहां पर वाह इस शब्द से हर्ष प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? हर्ष, खुशी। देखिए, अरे कीर्तन तुम यहां कैसे? आश्चर्य। अरे कीर्तन, कीर्तन किसी लड़के का नाम है। कीर्तन किसका नाम है? किसी लड़के का नाम है। अरे कीर्तन तुम यहां कैसे? देखो, अरे कीर्तन के बाद यहां पर कौन सा चिन्ह लगाया है? अल्प विराम लगाया है। हा? यहां पर हमें थोड़ा सा विराम लेने की जरूरत है, अल्प सा विराम लेने की जरूरत है, इसलिए यहां पर अल्प विराम लगाया है। आया ना? लेकिन ये वाक्य पूरा होते ही हमें किसका बोध हो रहा है? आश्चर्य का बोध हो रहा है, आश्चर्य पैदा हो रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर कौन सा चिन्ह लिया है? विस्मय चिन्ह लिया है। आया ना? देखो, अरे कीर्तन तुम यहां कैसे? जैसे कि पूछने वाले को इस बात का पता ही नहीं था कि कीर्तन यहां आने वाला है। कीर्तन कहीं दूर का रहने वाला है, वो मुंबई में रहने वाला है या दिल्ली में रहने वाला है, तो अचानक वहां पर आया, अरे तुम यहां कैसे? यानी वहां पर आश्चर्य निर्माण हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा चिन्ह दिया है? विस्मय चिन्ह दिया है। कौन सा चिन्ह दिया है? विस्मय चिन्ह। और यहां पर अरे कीर्तन के बाद अल्प सा विराम लेने के हेतु यहां पर विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह दिया जाता है। अरे कीर्तन तुम यहां कैसे? आगे देखो, हमारा जो छठा चिन्ह है वह है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि इसका खास करके प्रयोग कहां पर किया जाता है? समास में किया जाता है या शब्द युग्मों में किया जाता है। हाँ या ना? हाँ? देखो, योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक सामासिक तुलनावाची समानार्थी या युग्मों के बीच में किया जाता है। देखो, युग्मों के बीच में समान, देखो योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक शब्द, सामासिक शब्दों के बीच में किया जाता है, तुलनावाची शब्दों के बीच में किया जाता है,
या समानार्थी शब्दों के बीच में भी किया जाता है या युग्मों के बीच में भी किया जाता है। युग्म 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 यानी क्या मतलब एक ही शब्द फिर से आता है तब उनके बीच में योजक चिन्ह दिया जाता है। या विपरीतार्थक शब्द युग्म भी आते हैं, समानार्थक शब्द युग्म भी आते हैं। देखो जैसे कि दिन रात, दिन और रात के बीच में यहां पर क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। लाभ हानि, लाभ हानि इनके बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। हार जीत इसके बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। जीवन मृत्यु इसके बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। अच्छा बुरा इसके बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। और रामसा, रामसा देखो रामसा मतलब यहां पर तुलनावाची आया है, तुलना है राम की किसी के साथ तुलना की है। रामसा, हंसते हंसते यहां पर भी क्या आया है, युग्म आया है हंसते हंसते, हाँ या ना। पुनरुक्त शब्द युग्म, ये कौन सा शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म मतलब उसी शब्द की पुनरुक्ति होना, वही शब्द फिर से आना, इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म। हंसते हंसते आदि। देखो छठा पद हमारा, छठा जो चिन्ह है वह कौन सा है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन सा काम करता है, जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। माता पिता, भाई बहन, हाँ इस प्रकार वो क्या करता है, उनके बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। तो योजक चिन्ह दो शब्दों को जो दो पदों को जोड़ने का काम करता है। देखो फिर से, योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक, तुलनावाची, समानार्थी या युग्मों के बीच में किया जाता है। जैसे दिन रात, लाभ हानि, हार जीत, जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, राम सा, सीता सी, वो भी आ सकता है, सीता सी, माँ जैसी, भाई जैसा, हंसते हंसते आदि। ओके तो दोस्तों आज की तासिका में हमने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी देखी है और पहले जो छह विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं और जो बचे हुए जो छह विराम चिन्ह हैं, कुल मिलकर 12 विराम चिन्ह है, कितने हैं हिंदी में 12, बचे हुए जो 6 विराम चिन्ह हैं उनकी जानकारी हम अगली तासिका को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।